top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इन्हें सुपारी दी गई थी और कौन था सुपारी देने वाला? 20 सितंबर को यूपीएसटीएफ ने सुंदर भाटी और अंकित गुर्जर गैंग के मुख्य शूटर और इनके साथ मुख्य शूटर जो कि पवन उसरिया है उसके साथ चार और साथियों को नोएडा की थाना हाईकोटेक फर्स्ट पुलिस के सहयोग से करीब 10:15 बजे रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनकी जो प्लानिंग थी आज इनको कालू भाटी को जो कि पेशी पे गौतम बुद्ध कोर्ट में आ जाना था तो उसको भगाने की प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने कुछ मर्डर करने की प्लानिंग कर रखी थी, अलग अलग वजह थी उसकी। जो 25 सितंबर को ये ज्ञानेंद्र जो कि नरौली के प्रधान हैं इससे अंकित गुर्जर पुरानी दुश्मनी मानता है उसको उसकी हत्या करने की साजिश थी। उसके बाद विजय पंडित हत्याकांड के जो वादी हैं जो कि पेशे से वकील हैं उनको भी जान से मारने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद हरिया है अपने गांव भैसावली में 2010 से उसकी रंजिश चली आ रही है अन्नू और बिन्नू से, उनकी हत्या करने की भी इनकी साजिश थी। इसके अलावा पिछले 2.5 महीने में इन लोगों ने करीब 2 दर्जन लूट की वारदातें नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में की हैं। एक i20 कार इन्होंने दादरी से लूटी है और दनकौर, कासना, बिश्रक, लोनी, ट्रॉनिका सिटी, गाज़ियाबाद और बागपत जैसे दूर एरिया में भी इन्होंने करीब 12 कार सवार लोगों से भी इन्होंने लूट की साजिश की है। रिकवरी में आप देख सकते हैं कुछ लूट की मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुई हैं। इनके पास जो कुल बरामदगी है एक पिस्टल 9 mm, एक पिस्टल 32 बोर की, 3 CMP 315 बोर की, एक सोने की चेन है जो कि बुलंदशहर हाईवे से लूटी गई है, एक i20 कार दिल्ली से लूटी हुई है जो कि प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि इन्होंने शोरूम वाले को फ़ोन करके बुलाया था और टेस्ट ड्राइव के लिए और उसके बाद उसको तमंचा दिखा के कार लूट के फरार हो गए थे। सर, सपा से जो जेवर की प्रत्याशी हैं, जेवर विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं बेवन नागर, क्या उनकी भी हत्या की इन्होंने सुपारी ली थी? हाँ, उनकी हत्या की भी सुपारी देने की बात अब तक की जांच से प्रकाश में आई है। अभी कुछ डिटेल्स अभी हम आप लोगों को बता नहीं पा रहे क्योंकि हम लोगों की टीम भी कुछ काम कर रही है इन पर और जैसे हम लोग को सफलता मिलेगी फिर हम लोग आपके सामने आके और भी डिटेल्स आपको देंगे। कितने इनके साथी भी ऐसे हैं जो फरार हैं? साथियों की कुल गिनती बताना मुश्किल है, इनका अपना गैंग है और गैंग में नए लड़के भी आते रहते हैं जो कि पुलिस की स्क्रूटनी से बाहर होते हैं। अभी कुल इनके 4 साथी पकड़े गए हरिया के, तो कुल अभी 5 गिरफ्तारियाँ हैं। कंपनी के पेरोल पे जो इनका मॉडल सुप्रेंडी है वो जो समझ में अभी हम लोग को आ रहा है कि इनको एक अपने खर्चे का पैसा मिलता रहता है और अपने आकाओं के कहने पर चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर, ये इस तरह की घटनाएं करते हैं चाहे वो लूट की हो या एक्सटॉर्शन की हो या मर्डर की। सर, जो हत्या इन्हें करनी थी क्या अपने आकाओं से इन्हें आदेश मिले थे, सुंदर भाटी का हो या अंकित का हो या? नेचुरली यही होता है, अब अपने आकाओं से आदेश पे ये करते हैं। कुछ इनकी अपनी पर्सनल रंजिश होती है और उसके बाद लड़ने के लिए कभी किसी मुकदमे में अगर गवाह नहीं दब पा रहा है गवाह को हटाने के लिए, गवाह के बयान को हॉस्टाइल करने के लिए भी उसकी हत्या करने के लिए। कितनी रंगदारी मांग चुकी है? ये अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कितनी रंगदारी मांग। सर, इनका क्रिमिनल इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं? लंबा है, पवन के खिलाफ अब तक 30 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं और जो बाकी के चारों साथी हैं उनकी भी हम लोग आपराधिक पृष्ठभूमि की तलाश कर रहे हैं, संभवतः उनके खिलाफ भी मुकदमे आएंगे। सर, जो इन पर आपराधिक इतिहास है वो यूपी का है या यूपी के अलावा किसी और राज्य में भी? यूपी का भी है, NCR का है, NCR में हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, तो ज़्यादातर यूपी का ही है। ज़्यादातर बीते दिनों बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या हुई थी, उसमें क्या ये प्रेशर बना रहे थे कि उस मामले में समझौता हो जाए, उसके चलते उसकी हत्या करना चाहते थे? वो चाह रहे थे कि जो पैरवी कर रहे हैं उनकी वो ना करें और समझौता कर ले, लेकिन वो शायद दबाव में नहीं आ पा रहे थे इसलिए उनकी हत्या करने की कोई साजिश की थी। कोई परिभाषा ऐसी नहीं है, ऑलराउंडर है। सर, STF को कैसे ये इनकाउंटर हुआ है जिसमें USTF
आर के मिश्रा ने टीम को लीड किया, और चूँकि हम लोग पहले से ही इनके इन गैंग के मेंबर के पीछे लगे हुए थे, और हमारे इन्फॉर्मर्स ने हमें सही जानकारी दी थी, जो मुखबिरी थी वो काफ़ी सही थी, और जब इनका सामना हुआ तो इन्होंने फायरिंग की, और जवाबी फायरिंग के लिए पकड़े गए हैं। किसी को हताहत होने की कोई घटना नहीं हुई है, और थाना इकोटेक फर्स्ट के जो SHO हैं वो भी साथ में थे, और आज गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये भी जानकारी की जाएगी कि जेल में बैठे जो इनके आका हैं उनके पास ये लोग पहुंचते हैं, जेल से ही एक तरह से रैकेट ये चला रहे हैं हत्या कराने का, तो क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? जानकारी ये सूचना तो समय समय पर आती रहती है कि जेल से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और टास्क दिए जाते हैं और जेलों तक सूचनाएँ पहुँच जा पा रही हैं। वही पुलिस और STF का प्रयास है कि ये किसी तरह से नेक्सस तोड़ा जाए और जेलों के अंदर से जो बैठ के लोग अपराध कराने में सफल हो पा रहे हैं वो न हो पाए। क्या ये भी जानकारी की जाएगी कि जो लोग इन अपराधियों से मिलने जेल में जाते हैं, जो पेशी के दौरान कह लीजिए या फिर मिलाई करने जाते हैं, उन पर भी जांच की जाएगी ऐसे लोगों की? नहीं, आप जानते हैं जनपद में जो जहाँ जहाँ जेल है वहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी है, जेल चौकी होती है, वो निगरानी करती इसी चीज़ की है कि कौन मिलने जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कितनी बार मिलने जा रहा है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है जिसके खिलाफ खुद ही मुकदमे हो, तो वो एक तरीका ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हमें उसको और फूड प्रूफ बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो जिले के कप्तान है वो करते हैं। सर, थैंक यू। थैंक यू। सब पर तमन चाहिए। 9 mm पिस्टल है उसमें, एक 9 mm 32 है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड।